हेलो एवरीवन, दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है दीपक वर्मा और आप देख रहे हैं टेक्निकल टेंटी चैनल। दोस्तों आज मैं किस बारे में चर्चा करने वाला हूँ आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज मैं ओप्पो में लगे हुए लॉक को घर बैठे आसानी से अनलॉक कर सकता हूँ। दोस्तों अभी मेरे हाथ में एक हैंडसेट फ़ोन है जो ओप्पो कंपनी का, यहाँ पे देख सकते हैं ओप्पो कंपनी का, ये कवर से आपको दिख नहीं रहा होगा, ओप्पो कंपनी का न्यू 5G फ़ोन है दोस्तों। यहाँ पे लॉक लगा हुआ है दोस्तों। और दोस्तों ओप्पो का कोई भी फ़ोन का मॉडल क्यों ना, दोस्तों आप अपने फ़ोन को घर बैठे अनलॉक कर सकते हो भी इजी और आसानी से। दोस्तों यदि दोस्तों आप विदाउट स्किप करते हुए वीडियो को देखोगे तो आपका फ़ोन 100% एक बार में ही लॉक से अनलॉक हो जाएगा। यदि दोस्तों आप वीडियो को स्किप करके देखोगे तो आपका फ़ोन अनलॉक नहीं हो पाएगा। आप सोच समझ ही नहीं पाओगे मैं क्या मेथड किया था, क्या ट्रिक लगाया था। आप भूल जाओगे एक भी ट्रिक या कन्फ्यूज हो जाओगे यहाँ पर, तो आपका फ़ोन अनलॉक नहीं होगा, तो आपको दोबारा वीडियो देखना पड़ जाएगा। बट दोस्तों दोबारा देखने से बेहतर है एक बार वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख ले, एंड तक देख ले, तब आपको फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। आप कुछ सीख भी सकते हो। मैं समझ सकता हूँ दोस्तों आपका फ़ोन में लॉक हो जाए, पिन लॉक हो, पैटर्न लॉक हो, पासवर्ड लॉक हो, तो आप बहुत ही घबरा जाते हो और टेंशन में आ जाते हो। घबराना टेंशन में आना जाहिर सी बात है, क्योंकि आप सब सोचने लगते हो अगर मैं रिपेयरिंग दुकानों पे या सर्विस सेंटर पे जाऊंगा तो दोस्तों वहाँ पे हमारा पैसा बहुत लेगा, 2 से 3 हज़ार तक तो ज़रूर ले लेगा और समय भी ले लेगा। दो तीन सप्ताह में फ़ोन से कोई काम नहीं होगा दोस्तों, ना किसी को कॉल कर पाओगे ना मैसेज कर पाओगे कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, तो दोस्तों आप बहुत टेंशन में आ जाओगे। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, आपके फ़ोन में से एप्लीकेशन हो या फाइल हो या कोई गेम हो या कोई मैसेज क्यों ना, सब डिलीट करके देगा सर्विस सेंटर। लेकिन सर्विस सेंटर वालों की तरह मैं यहाँ पे घर बैठे अपने फ़ोन को अनलॉक करके आपको दिखाऊंगा दोस्तों, मात्र एक कोड की मदद से। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, मैं वीडियो को फटाफट स्टार्ट करता हूँ। यदि दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि मैं ऐसा यूट्यूब पे अपलोड करते रहता हूँ वीडियो टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर फ़ोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो फ़ोन में, कमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम का हल आपके लिए जरूर लाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों पहले इस प्रॉब्लम का पहले इसको हल कर लेते हैं। तो आओ दोस्तों मैं वीडियो को फटाफट स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पहले स्वाइप अप करेंगे, पिन पैटर्न पासवर्ड कोई लॉक हो, यहाँ पे इमरजेंसी कॉल पर जाना है। इमरजेंसी कॉल पर जाने के बाद यहाँ पे पहला ऑप्शन में से यहाँ पे देखिएगा सिम कार्ड और मेमोरी को आपको निकाल लेना है। यहाँ पे गौर से देखिएगा सिम कार्ड मेमोरी को निकाल लेना, सिम कार्ड मेमोरी को निकालिएगा तभी भर के काम करेगा। और आप सोचते होंगे कि इमरजेंसी से कौन भाई फ़ोन को लॉक से अनलॉक कर सकता है, दोस्तों ये इमरजेंसी ही जो सर्विस सेंटर वाले ही अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे V.PC यानी कंप्यूटर की मदद नहीं लूँगा दोस्तों, आपको लाइव दिखाऊँगा अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकता हूँ। और *8999# डालेंगे दोस्तों, यहाँ पे इस तरह का एक ऑप्शन आएगा जो इंजीनियर मोड का फाइल ओपन होगा, आपको दिख रहा होगा इंजीनियर मोड का फाइल ओपन होते ही दोस्तों यहाँ पे एक मैं ट्रिक लाऊंगा। यहाँ पे देखिएगा सब बहुत तरह का यहाँ पे ऑप्शन आया होगा, 5 नंबर पे सॉफ्टवेयर वर्जन होगा, सॉफ्टवेयर वर्जन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन होगा। ओप्पो का कोई भी फ़ोन का मॉडल में ये वर्जन अलग अलग होता है, ये मेरे फ़ोन में भी 12 है, आपके फ़ोन में 10 होगा या 5 होगा या 20 होगा, कितना भी हो दोस्तों जितना होगा उतने बार उसे टैप करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड देन 12 टाइम से टैप करने के बाद दोस्तों आपका बढ़ के काम करने लगता है। इसके बाद हम बैक कर लेंगे, बैक करने के बाद 4 नंबर पे मैनुअल टेस्ट होगा, मैनुअल टेस्ट पे आने के बाद एक बार स्किप करेंगे, एक बार स्क्रॉल करेंगे, अब पहला देखेंगे हमारा फिंगरप्रिंट टेस्ट काम कर रहा है या नहीं। आप टेस्ट पे यूज करेंगे, यहाँ पे फिंगरप्रिंट टेस्ट है, यहाँ पे आया पास हो गया, यानी कि मेरा फिंगरप्रिंट काम कर रहा है पर ये लॉक नहीं खुल रहा दोस्तों, यानी कोई पासवर्ड लॉक लगा दिया, पैटर्न लॉक लगा लिया, पिन लॉक लगा लिया, इसी कारण फ़ोन अनलॉक नहीं हो रहा है। इसके बाद मैं बैक करूँगा, बैक करने के बाद यहाँ पे जायरोस्कोप पे आना, जायरोस्कोप पे आने के बाद दोस्तों पहला नंबर देखेंगे ग्राफ, ग्राफ में जाके यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे मेरा सब वर्क काम कर रहा है, ये देखिएगा यहाँ से एरो यहाँ तक जाएगा, अगर ये यहाँ तक जाएगा तो दोस्तों आपका वर्क जरूर काम कर रहा है, यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों ये जा रहा है। इसके बाद बैक कर लेंगे, बैक करने के बाद 2nd नंबर पे यहाँ पे आके स्टार्ट करके बैक कर लेना, बैक करने के बाद फिर बैक कर लेना, फिर सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना जो अदर्स है दोस्तों। अदर्स पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे की स्टडी देखेंगे, जितना आपने की लगाया सब पास होगा, यहाँ पे देख लीजिए, अगर एक भी फेल होगा दोस्तों तो आपका फ़ोन अनलॉक नहीं होगा।
इसके बाद यहाँ पे सब पास है तो एक बार बैक करेंगे, फिर यहाँ पे रीडिंग रीसेट कंप्लीट इन डेट को चेक करेंगे। अगर यहाँ पे पास हो गया दोस्तों तो आपका फ़ोन 100% अनलॉक हो जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ पे एक मैजिक दिखाऊंगा, यहाँ पे आपका होम बटन होगा या स्वाइप अप करने वाला एक होगा भाई, करने पे मैं यहाँ पे मेरा स्वाइप अप करने वाला है, स्वाइप अप करूँगा मेरा फ़ोन अनलॉक हो जाएगा बहुत ही ईजीली तरीका से। ओप्पो का कोई भी फ़ोन मॉडल, यहाँ पे मैं बोला था विदाउट डाटा लॉस, यहाँ पे जो जो मैं अप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा कोई चीज़ डिलीट नहीं हुआ दोस्तों, देख लीजिएगा कोई चीज़ डिलीट नहीं हो दोस्तों। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था, अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करते क्योंकि मैं ऐसे ऐसे यूट्यूब वीडियो टिप्स एंड ट्रिक्स लाता रहता हूं यूट्यूब पर। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।